बहुत समय पहले किसी गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी सात बेटियों के साथ रहता था। रामू चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। रामू अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ी अच्छी जिंदगी देना चाहता था। रामू की सातों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। सभी बहनें हमेशा क्लास में अच्छे नंबर से पास होती थी। वहीं स्कूल के पास वाले जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। फिर एक दिन वह चुड़ैल एक बड़े जादूगर के पास जाती है, क्योंकि चुड़ैल को बहुत शक्तिशाली बनना था। वह ताकतवर बनकर चुड़ैलों की रानी बनना चाहती थी। सुन जादूगर, मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहती हूँ, क्या तू अपनी जादुई शक्ति से मुझे शक्तिशाली बना सकता है? हाँ हाँ, मैं तुझे शक्तिशाली बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे अपने घर पर काले जादू के बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं। मुझे बहुत सारी लड़कियाँ नौकरानी के रूप में चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सभी लड़कियाँ बहुत होशियार होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम खुद जाकर ढेर सारी लड़कियों को पकड़कर क्यों नहीं लाते? एक शराब की वजह से मैं जंगल के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। जल्दी से मेरे पास लड़कियों को लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत शक्तिशाली बना दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल गाँव के पास मौजूद स्कूल के पास पहुँच जाती है। इस स्कूल के अंदर बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई करती है, स्कूल में जाऊंगी और लड़कियों को किसी भी तरह बहला फुसला कर जादूगर के पास ले जाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल अपने आप को टीचर के रूप में बदल लेती है। फिर वह स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके स्कूल में नौकरी हासिल कर लेती है। टीचर बनी चुड़ैल स्कूल में दूसरी लड़कियों के साथ साथ रामू की बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर देती है। चुड़ैल देखती है कि रामू की सातों बेटियां दूसरी लड़की के मुकाबले बहुत ज्यादा होशियार थी। ये सातों बहनें बहुत होशियार हैं, अब मैं इन्हें ही पकड़कर जादूगर के पास ले जाऊंगी। फिर अगले दिन चुड़ैल सातों बहनों को अपने पास बुलाती है। सुनो, तुम सब बहुत होशियार हो, इस छोटे स्कूल में पढ़ाई करके तुम्हारा भला नहीं होने वाला। शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल है, मैं वहाँ तुम्हारा एडमिशन करवा सकती हूँ। उस स्कूल के अंदर तुम सभी को रहने खाने की सुविधा मिल जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर सभी बहनें बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन चुड़ैल रामू से मिलकर सारी बात तय कर लेती है। आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी बेटियों को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती हो, मैं आपका एहसान याद रखूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटियों की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। फिर अगले दिन चुड़ैल सातों बहनों को अपने घर ले जाती है। आज रात होते ही हम शहर के स्कूल में जाएंगे। शहर के स्कूल में पढ़ने की बात सोचकर सातों बहनें बहुत खुश हो रही थी। फिर रात होते ही चुड़ैल सातों बहनों को लेकर जंगल में चली जाती है। टीचर जी, आप हमें शहर ले जाने वाली थी, लेकिन आप तो हमें जंगल में लेकर आ गई, ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। तभी अचानक चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सातों बहनें घबराने लगती है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तुम सबको पकड़ने के लिए मैंने ये प्लान बनाया था, चलो मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल जोर जोर से ताली बजाने लगती है। फिर एक विशाल चिड़िया वहां आ जाती है। चुड़ैल सभी बहनों को रस्सी से बांध देती है। उसके बाद वह सभी बहनों को लेकर चिड़िया के ऊपर बैठ जाती है। फिर चुड़ैल चिड़िया को हवा में उड़ाते हुए जादूगर के घर ले जाती है। सातों बहनों को देखकर जादूगर बहुत खुश होता है। ये देखो, मैं सातों बहनों को तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, अब तुम इन्हें नौकरानी बना लो। हाँ, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद जादूगर चुड़ैल को एक जादुई हीरा दे देता है। इस हीरे को खा लो, उसके बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाएंगी। चुड़ैल फौरन हीरे को खा लेती है और उसका शरीर अलग अलग रंग के रूप में बदलने लगता है। यह देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर, अच्छा अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जादूगर सातों बहनों को अपने घर की नौकरानी बना लेता है। तुम सबको मेरे घर के सारे काम करने पड़ेंगे, अगर तुम सबने जरा भी नखरे दिखाए तो मैं तुम सबको कड़ी सजा दूंगा। हम सब तो पढ़ाई करके जिंदगी में कामयाब बनना चाहती थी, लेकिन चुड़ैल ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लगता है अब हमें पूरी जिंदगी इस जादूगर के घर पर गुलामी करनी पड़ेगी। फिर जादूगर अपने घर के दरवाजे के पास एक बड़ा शेर प्रकट कर देता है। अगर तुम सबने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरा शेर तुम सबको मार के खा जाएगा। उस दिन के बाद से जादूगर के डर के कारण सातों बहनें उसके घर पर नौकरानी का काम करने लगती है। जादूगर उनसे दिन रात कड़ी मेहनत करवाता था, यहाँ तक कि वह उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देता था।
सातों बहनें जब भी सोने की कोशिश करती तो जादूगर उनकी पिटाई कर देता था। दूसरी तरफ रामू यह सोचकर खुश हो रहा था कि उसकी सातों बेटियां शहर के स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाई कर रही है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है, तभी अचानक उसे नदी के किनारे सातों बहनें मछलियां पकड़ते हुए दिखाई देती है। रोज खाना न मिलने के कारण वे सभी बहुत कमजोर हो गई थी। दूसरी तरफ जादूगर उन्हें कोड़े से मार रहा था। चलो जल्दी जल्दी मछलियां पकड़कर इकट्ठा करो। अपनी बेटियों की हालत देखकर रामू की आंखें आश्चर्य से भर जाती है। अरे ये क्या, मेरी बेटियों को तो टीचर शहर ले गई थी, लेकिन मेरी बेटियां तो इस जादूगर की कैद में है। मुझे किसी भी तरह अपनी बेटियों को बचाना होगा। उसके बाद रामू एक डंडा उठाकर जादूगर पर हमला कर देता है। फिर जादूगर जमीन पर गिर जाता है। रामू फौरन जादूगर की जादू छड़ी उठाकर तोड़ देता है। अपने पिता को देखकर सातों बहनें खुश हो जाती है। तुम सब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इस जादूगर को संभाल लूंगा। फिर रामू की सातों बेटियां वहाँ से भाग जाती है। यह देख जादूगर को बहुत गुस्सा आता है। तूने मेरी जादू छड़ी तोड़ दी तो क्या हुआ? तू समझता है कि मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई? रुक जा, अभी मैं तुझे बताता हूँ। उसके बाद जादूगर अपनी टोपी के अंदर से एक कबूतर बाहर निकाल लेता है। मेरे जादुई कबूतर, इस बूढ़े आदमी को काट कर इसे कुत्ते के रूप में बदल दे। फिर कबूतर रामू के सिर पर बैठकर उसे काटने लगता है। अगले ही पल रामू एक कुत्ते के रूप में बदल जाता है। उसके बाद जादूगर कुत्ते के गले में पट्टा बांधकर उसे वही पेड़ के साथ बांध देता है। वे सभी लड़कियां भाग गई, अब मुझे दोबारा चुड़ैल को बुलाकर उन्हें पकड़ना होगा। दूसरी तरफ सातों बहनें भागते हुए जंगल के दूसरे छोर में पहुंच जाती है। तभी उन्हें अपने सामने चांद का एक बड़ा मंदिर दिखाई देता है। अरे ये तो चांद का मंदिर है, मैंने सुना है ये मंदिर बहुत चमत्कारी है, यहाँ पूजा करने से हर प्रार्थना पूरी हो जाती है। फिर सातों बहनें मंदिर के अंदर चली जाती है। हमारे पिताजी जादूगर के साथ लड़ाई कर रहे थे, जरूर वो मुसीबत में फंस गए होंगे, हमें चांद से प्रार्थना करके उनसे मदद मांगनी चाहिए। फिर सातों बहनें जंगल से ढेर सारे फूल इकट्ठा करके चांद के मंदिर में पूजा करने लगती है। थोड़ी ही देर में चांद वहाँ प्रकट हो जाता है। ओए मैं तुम सबकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, अब मैं तुम सबकी सहायता करूँगा। उसके बाद चांद अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई चांद घर प्रकट कर देता है। ओए इस घर की शक्ति से तुम जो चाहे वो कर सकती हो, इसे लेकर जाओ। फिर सातों बहनें खुशी खुशी चांद घर के अंदर चली जाती है। सुनो जादुई चांद, हमें हमारे पिता के पास ले चलो। उसके बाद चांद घर हवा में उड़ते हुए उन्हें नदी के किनारे ले जाता है। कुत्ते के रूप में मौजूद रामू अपनी बेटियों को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी कुत्ते के गले में मौजूद लॉकेट को देखकर सातों बहनें उसे पहचान लेती है। अरे ये क्या, ये तो हमारे पिताजी है, लगता है उस जादूगर ने हमारे पिताजी को कुत्ता बना दिया है। सुनो जादुई चांद घर, हमारे पिता को फिर से इंसान बना दो। अगले ही पल चांद घर के अंदर से एक जादुई छड़ी बाहर निकलकर कुत्ते के ऊपर रोशनी गिराने लगती है। देखते ही देखते रामू फिर से पहले की तरह इंसान के रूप में बदल जाता है। उसके बाद वे सभी बहनें जादुई चांद घर को जादूगर और चुड़ैल को पकड़ने के लिए कहती है। उसके बाद चांद घर अपनी शक्ति से वहाँ पर दो काले चांद प्रकट कर देता है। फिर दोनों चांद जादूगर और चुड़ैल को पकड़कर वहाँ पर ले आते हैं। ये दोनों बहुत ही बुरे हैं, हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं, इन्हें कड़ी सजा दो। उसके बाद चांद घर के अंदर से जादुई छड़ी बाहर निकलकर चुड़ैल और जादूगर के शरीर में आग लगा देती है। दोनों दर्द से तड़पते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उन दोनों का शरीर जलकर राख हो जाता है। यह देखकर सातों बहनें बहुत खुश होती है। उसके बाद वह सातों बहनें चांद घर को एक जादुई स्कूल के रूप में बदलने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में जादुई चांद घर एक जादुई स्कूल के रूप में बदल जाता है। उस स्कूल के अंदर बहुत सारी टीचर मौजूद थी। अब हम इस जादुई चांद स्कूल में सभी गरीब लड़कियों को मुफ्त में एडमिशन देकर उनके साथ पढ़ाई करेंगे। उसके बाद सातों बहनें बहुत सारी गरीब लड़कियों को स्कूल में एडमिशन दे देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सातों बहनें जादुई चांद स्कूल में पढ़ाई करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।